नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रोग्राम AI में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर काउंटिफ फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, काउंटिफ फंक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम क्राइटेरिया और फंक्शन लगा के कुछ चीज़ों को ऐसे चेक करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं चेक करूंगा कि उन एम्प्लॉयज जिन वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 56,000 से ज़्यादा है, वो कितने एम्प्लॉयज हैं टोटल इस लिस्ट में। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम सबसे पहले यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे इस तरह, फिर कॉमा डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमाज में वो कंडीशन लगाएंगे जिसके बेसिस पे हमें एम्प्लॉय के नंबर काउंट करने हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 56,000 से ज़्यादा है, मुझे मुझे पता करना है कि इस पूरी लिस्ट में 56,000 से ज़्यादा सैलरी किन किन कितने कितने एम्प्लॉयज़ की है। तो यहाँ पे टोटल चार एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 56,000 से ज़्यादा है। उनमें से एक सबसे पहला है आयुष, फिर उसके बाद है दिव्या, फिर उसके बाद है नमन, और फिर उसके बाद है तरुण। तो देखिए दोस्तों, कुछ चार ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 56,000 से ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे आपको सैलरी चेंज करके दिखा देता हूँ, तो देखना नीचे नंबर बढ़ जाएगा। अब जैसे नेहा की सैलरी जो है उसे मैं कर देता हूँ 59,000। तो देखिए दोस्तों, नीचे जो काउंटिफ की वैल्यू है वो हो गई है 5। तो कुछ इस तरह से काउंटिफ फंक्शन एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।